कहना है कि उठा के रुख से वो अपने नकाब बैठ गया, तो सर पकड़ के शगुफ्ता गुलाब बैठ गया। हजार मुश्किलें थी एक शेर कहने में, हजार मुश्किलें थी एक शेर कहने में, लेकिन नजर मिली तो गजल का हिसाब बैठ गया। नजर मिली तो गजल का हिसाब बैठ गया। शिहाब जयपुरी कहते हैं कि किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर हमें भी आता है, खुद को संभालने का हुनर। अच्छा, हमारी बात जुदा है कि हमसे सीखो तुम अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का। लेकिन मैं अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता, कोई फायदा भी नहीं है ना। मैं अपनी टीना जी, मैं अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता, क्या बात है, कोई बात नहीं। और उसकी मोहब्बत को भुला भी नहीं सकता। परेशानी भी है लेकिन मोहब्बत भी है। कहना है कि मैं अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता भाई, और उसकी मोहब्बत को भुला भी नहीं सकता। साहिल पे लिखा नाम मिटा देता हूँ, लेकिन इस दिल पे लिखा नाम मिटा भी नहीं सकता। इस दिल पे लिखा नाम मिटा भी नहीं सकता, ये इनका ख्याल था। लेकिन ताहिर साहब जी, तीर की चांद के यानी के अंधेरा, तीर की चांद के जीने से शहर तक पहुंची। अच्छा। और जुल्फ का अंधेर से जो सर की तो कमर तक पहुंची। अच्छा। तीर की चांद के जीने से शहर तक पहुंची, जुल्फ कांधे से जो सर की तो कमर तक पहुंची। तुम तो सूरज के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम कि रात किस हाल में कट के शहर तक पहुंची। लेकिन किरदार को बचाने में नाकाम हम हुए, फिरोज भाई, जमाल भाई, दोनों तो माशाल्लाह पास बैठे हैं, और पीछे राजू भाई। किरदार को बचाने में नाकाम हम हुए, उनको हवा ने छेड़ा था बदनाम हम हुए। कहना है कि किरदार को बचाने में नाकाम हम हुए, उनको हवा ने छेड़ा था बदनाम हम हुए। एक ऐसा हादसा हुआ बाजारे इश्क में, बोली लगी थी उनकी नीलाम हम हुए। बोली लगी थी उनकी और नीलाम हम हुए, लेकिन उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, और वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। मेरी अना ने हाथ उठाने नहीं दिए, वरना मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये राजभाई की जानिब से 200 रुपए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और 200 रुपए इधर भी दिए हैं राजू भाई ने, माशाल्लाह 400 रुपए दिए हैं दोनों पार्टियों को, मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मसलहत के पांव में जंजीर होती है पीना जी जी, हमेशा मसलहत के पांव में जंजीर होती है, मोहब्बत करने वालों की यही तकदीर होती है। कहना है कि हमेशा मसलहत के पांव में जंजीर होती है,
मोहब्बत करने वालों की यही तकदीर होती है। सितारा, झील, दफ, मौसम, हवा, खुशबू, गजल, बादल। समाज फरमाए, शायर का अंदाज देखे, हमेशा मसलहत के पांव में जंजीर होती है। मोहब्बत करने वालों की यही तकदीर होती है। सितारा, झील, दफ, मौसम, हवा, खुशबू, गजल, बादल, ये सब मौजूद हो तो जिंदगी कश्मीर होती है। ये सब मौजूद हो, किसका? अच्छा, राजू भाई का पोता, माशाल्लाह। ये आमिर भाई का बेटा है। ये दोनों पार्टियों को 100 रुपए उनकी जानिब से आए हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बच्चे की उम्र दराजी करे। आमीन। जी आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सितारा, झील, लफ, मौसम, हवा, खुशबू, गजल, बादल, जी ये सब मौजूद हो तो जिंदगी कश्मीर होती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन दोस्ती जब किसी से की जाए, ताहिर साहब जी, दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए। बिल्कुल। दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहां जाके सांस ली जाए। इश्क में मजनू और फरहाद नहीं हो होने के, इश्क में मजनू और फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। कहना है इश्क में मजनू और फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। ये जो वादे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो वादे हैं मोहब्बत के अभी हैं टीना, और दो चार बरस बाद नहीं होने के, और दो चार बरस बाद नहीं होने के। बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन चार मिसरे मैं भी बता दूं आपसे जी, के घर की दीवार पे कौए नहीं अच्छे लगते। अच्छा, फिर क्या लगता है? कौए, कबूतर। हाँ, समझदार हैं आप तो। दो चार बरस बाद की आप बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। के घर की दीवार पे कौए नहीं अच्छे लगते, और मुफलिसी में ये तमाशे नहीं अच्छे लगते। ताहिर साहब जी, घर की दीवार पे कौए नहीं अच्छे लगते, मुफलिसी में ये तमाशे नहीं अच्छे लगते। इश्क का खेल जवानी के लिए होता है, ढलती उम्रों में मुहासे नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल सही है बात। लेकिन टीना जी, जी ये बात आपने सही कही, ढलती उम्रों में मुहासे नहीं अच्छे लगते। लेकिन चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी, के धूप छाओं का आलम रहा जुदाई ना थी। कहना है कि वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी, के धूप छाओं का आलम रहा जुदाई ना थी। अदाबते थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। क्या बात है, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। लेकिन राहत इंदौरी कहते हैं कि हर एक चेहरे को जख्मों का आईना ना कहो, और ये जिंदगी तो है रहमत, इसे सजा ना कहो। न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी हो, वो साथ छोड़ गया है तो बेवफा ना कहो। लेकिन तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तेल की दुकान खोल रही है जो पावर हाउस। तुम्हारा घर नहीं, ये सुने कैसे जगमगाऊंगा भैया, ये सुने कैसे जगमगाऊंगा भाई। मैं समाज फरमाए, पावर हाउस में नौकरी कर रही है, कैसे जगमगाऊंगा। ये सुने समाज फरमाए, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, दिए खामोश हो जाए तो अपना दिल जलाऊंगा।
कहना है दोस्तों, अटीला जी तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, दिए खामोश जो हो जाए, दिए खामोश हो जाए तो अपना दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिल यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिल यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। इसलिए दिल्ली ले जाऊंगा, दिल्ली ले जाऊंगा, इसको रास्ते में छोड़ देना। शादी रचाएगा
काम फ्रेंड से कर गया काम मेरे दिल भाई 100 रुपए उन्होंने दिए हैं दोनों पार्टियों को माशाल्लाह जी बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया मोहतरमा टीना जी जी आपने कहा कि मैं जिसको छू लूं उसको बुखार आ रहा है सूंघ लूं हां लेकिन आप भी तो हैं पहरेदार रख लो क्यों रख रहे हैं मेरी तमन्ना क्या है मेरा पहरेदार देखा है ना झूठी सही बुरी बात ख्याली बुलाओ नहीं पकाते लेकिन पुराने दुख बदलना चाहता हूँ ये हमारे जवान भाई का लड़का अबू कैश अगर जहाँ भी कहीं हो तो वो स्टेज पर आ जाए जमान भाई के साहबजादे अबू कैश साहब जहाँ भी कहीं हो वो स्टेज पर आ जाए माशाल्लाह अच्छा राजू भाई फिर जाते हैं ये दोनों पार्टियों को दो दो सौ रुपए उन्होंने दिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन हौसला अफजाई के लिए पुराने दुख बदलना चाहता हूँ पुराने दुख बदलना चाहता हूँ नए सपनों में चलना चाहता हूँ नए सपनों में चलना चाहता हूँ आपने कहा मैं जिसको सूख लूँ उसको बुखार आ जाए लेकिन मेरी तमन्ना फिर भी देखे आगे माशाल्लाह ठीक है हाँ बुखार से नहीं डरते कहना है पुराने दुख बदलना चाहता हूँ नए जख्मों में चलना चाहता हूँ तेरी आंखों की नीली पुतलियों में मैं आंसू बनकर मरना चाहता हूँ मेरी आंखें नीली नहीं है कत्थई ब्राउन ब्राउन माशाल्लाह नहीं जी अब तो माशाल्लाह आज भी खूबसूरत हो लेकिन हम कम से कम 20 साल से देख रहे हैं मेरी आंखों पे मत जाइए अगर मरना है तो जान देना है तो दो वतन के लिए ताहिर साहब जान देना है तो दो वतन के लिए जान देते हो क्यों दुल्हन के लिए जब हसीनों की गलियों में मर जाओगे तो यही लोग चंदा करेंगे कफन के लिए लेकिन टीना जी 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 दो ही शर्तें हैं वफा की आजमा कर देख लो अरे दो ही आप चाहे जो भी कहो अच्छा लेकिन आप बड़े रहेंगे दो ही शर्तें हैं वफा की आजमा कर देख लो दो ही शर्तें हैं वफा की आजमा कर देख लो अरे या तो बन जाओ हमारे या बना कर देख लो या तो बन जाओ हमारे या बना कर देख लो कहना है कि दो ही शर्तें हैं वफा की आजमा कर देख लो या तो बन जाओ हमारे या बनाकर देख लो कत्ल करने को हमारा कत्ल करके देख लो उफना निकलेगी ज़बान से खंजर चला कर देख लो इसलिए तुझसे उल्फत करता हूँ अपने मन का बाजी हूँ अपने मन का बाजी हूँ
200 रुपए माशाल्लाह 400 रुपए दोनों पार्टियों को दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार। मुनव्वर राणा कहते हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, मोनू जरा सा इधर खिसकना भैया, हाँ नहीं उतरो नहीं बस खिसक जाओ, ताहिर साहब दिखने चाहिए ना। इस इम्तिहान से सबको गुजरना पड़ता है, और ए, मेरी कहानी में हीरो को मरना पड़ता है। अच्छा वही बात है। इस इम्तिहान से सबको गुजरना पड़ता है, मेरी कहानी में हीरो को मरना पड़ता है। दवा कोई भी यहाँ कारगर नहीं होती, यहाँ तो जख्म को जख्मों से भरना पड़ता है। इसीलिए कह रही हूँ, आहे क्यों तू भरता है, आहे क्यों तू भरता है, हर एक में क्यों मरता है, हर एक में क्यों मरता है, ओ दीवाने होश में आ, ओ दीवाने सब मरीज हैं जो अब दवाई करने लगे। लेकिन टीना जी,
जी जी 100 पे आता हूँ ये माशाल्लाह आपको देखकर मुझे चार मिसरे पढ़ने पढ़ रहा हूँ कभी मुझे माशाल्लाह पढ़ लिया कीजिए जवानी के लुटेरे फिर रहे हैं जवानी के लुटेरे फिर रहे हैं कहना है कि जवानी के लुटेरे फिर रहे हैं मेरे पास आ मैं तुझे महफूज कर दूं हिफाजत का यही बेहतर तरीका है कि मैं तेरी मांग में सिंदूर भर दूं क्यों मैं तेरी मांग में सिंदूर भर दूं इसमें काफिर तेरी जवानी सर मैं दोनों को दिए आपने बहुत बहुत शुक्रिया 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 जवानी का शेर पसंद आ गया फिरोज भाई मैं शुक्रगुजार हूँ समाज फरमाए तमाम हाजरीन काफिर तेरी जवानी है काफिर तेरी जवानी है और दिल वालों की रानी है दिल वालों की रानी है दिल वालों की जवानी के शेर बहुत पसंद आ रहे हैं अच्छा ये दो दो सौ रुपए फिर हमारे राजू भाई की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया कहना है हुस्न जब जवानी में करवटे बदलता है हुस्न जब जवानी में करवटे बदलता है हर जवान तड़पता है और बूढ़ा हाथ मलता है हुस्न जब जवानी में करवटे बदलता है हर जवान तड़पता है बूढ़ा हाथ मलता है इश्क की ये बीमारी जब किसी को लगती है तो पत्थरों के जैसा दिल मोम सा पिघलता है इसलिए तुझ पे जवानी पागल हो मस्ताना बंबई कहेगी तुझको बंबई कहेगी तुझको बंबई घुमाऊंगा भेलपूरी भी गोरी तुझको खिलाऊंगा अरे अब तो का हाल है मेरा चार सौ रुपए दिए हैं राजू भाई ने 200 रुपए
दोनों पार्टियों को दो 200 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत प्यारी प्यारी है, सूरत प्यारी प्यारी है, दिल भी तुझ पर भारी है, दिल भी तुझ पर भारी है, छोड़ दे तू जिद ऐटी ना, जानता हूँ तू हमारी है, जानता हूँ तू हमारी है, मैंने तुझे पहचाना, समझ ना तू अनजाना, मुझको ही नहीं आता, झूठी है तू टीना, प्यार निभाऊंगा, प्यार निभाऊंगा, हर दिल में बसाऊंगा, दिल में बसाऊंगा, अरे प्यार निभाऊंगा, दिल में बसाऊंगा, तुझको कसम से मैं दुल्हन बनाऊंगा, इससे बढ़ेगी मेरी शान। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सुन ले, मोहतरमा शेर पढ़ रही है। कुछ भी हो जालिम बड़ी नमकीन लगती है। चार मिसरे मुझे भी याद आए, ये मुझे क्या लगते हैं, बता दिया। देखने में तो ये चौसा आम लगता, चौसा आम जानते हैं ना, जो सबसे आखिर में आता है, सबसे ज्यादा मीठा भी होता है बहुत, इसीलिए जल्दी कीड़े पड़ते हैं, जल्दी पेड़ से उतार लिया जाता है। लेकिन कीड़े खाने में सवाब ज्यादा मिलता है। हम लोग नहीं खाते। नहीं नहीं, कीड़े जब खाएंगे तो आप खाते हैं कीड़े? कीड़े नहीं, कीड़े जिस चीज को खाएंगे तो अल्लाह उसके बदले में उसको अज्र देगा। मैं आम की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। जो सबसे आखिर में आता है बहुत मीठा होता है, इतना बड़ा होता है, इसलिए उसको कच्चे ही तोड़ लिया जाता है। तो देखने में तो ये चौसा आम लगता है, पान में जैसे इमाम लगता है, लगता है मुस्कुराता है तो काला जाम लगता है, और जब खफा होता है तो झंडू आम लगता है। मान ले बात शराफत